Last week I told you your prayers are extremely important and God hears your prayer. और पिछले सप्ताह मैंने आपसे कहा कि प्रार्थना जो आप करते हो ये बहुत महत्वपूर्ण है और परमेश्वर आपके प्रार्थना को सुनता है. God will never ever not answer your prayer. और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर न दे. Please understand this. इस बात को समझे. Many people think God will what he will do with my prayer. I tell you, whatever you are, your prayer will be heard. और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं के साथ क्या करने वाला है. मैं आपसे कहता हूं कि जो कुछ आप प्रार्थना करते हो परमेश्वर उसे सुनता है. Okay, don't allow people to teach you. You have to pray on the will of God, then only he will hear you. See, I tell you, these are people who do not know the word of God. और ऐसे they don't allow them to teach you. कुछ लोग आप खुद से आके कहेंगे कि परमेश्वर की इच्छा जो है वो मालूम कर आप प्रार्थना करें तो ही परमेश्वर सुनता है. मैं आपसे कहता हूं कि ये लोग परमेश्वर का वचन ही नहीं जानते, इसलिए आपसे बात कर रहे हैं ऐसे. जस्ट टू जस्टिफाई माई स्टेटमेंट, टूडे आई विल टेल यू, गॉड हैज हर्ड द प्रेयर्स ऑफ इवन द मोस्ट विकेड पीपल ऑन दिस अर्थ. और अपनी बातों को और आप साबित करने के लिए मैं आपसे कहता हूं कि इस पृथ्वी में जितने दुष्ट लोग हैं उन्होंने भी अगर प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना है. I'll give you few examples. They are the epitome of wickedness on this earth. और कुछ उदाहरण मैं आपको बताऊंगा, ये दुष्टता के ऐसे बड़े नाम है जो इस पृथ्वी पर जीवित थे. Okay. One is a king called Ahab. Ahab नाम के एक राजा जो है वो एक व्यक्ति था. He has killed the prophets of God. उसने परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं की हत्या की है. He has damaged the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य को नाश पहुंचाने की कोशिश. One of the worst characters in the Bible. बाइबल में लिखे गए सबसे एक बुरा व्यक्ति वही था. But do you know when he prayed, God heard his prayer? क्या आप जानते हो जब उन्होंने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी? When I say God will never say no to you, I mean what I say. और जब मैं आपसे कहता हूं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, मैं सचमुच मानता हूं इस बात को. You are washed by the blood of Jesus Christ. आप यीशु मसीह के लहू से धुले हुए लोग हो. The moment you pray, you open the courtroom of heaven. और जैसे ही आप प्रार्थना करते हो स्वर्ग के झरोखे खुल जाते हैं. Many of us don't know what happens during I pray. और बहुत से लोग नहीं जानते कि क्या होता है जब हम प्रार्थना करते हैं. See, you enter the courtroom of heaven. जब परमेश्वर के ऐसे वो महल में आप प्रवेश कर लेते हो. It has a judgment seat. और वहाँ पे न्याय का सिंहासन है. There is a father who is a judge who is sitting there. पिता जो न्याय देने वाला है वो वहाँ पर विराजमान है. There is an accuser. और लेकिन दोषी ठहराने वाला एक व्यक्ति है. There is a advocate. और आपके प्रति लड़ने वाला एक वकील आपके साथ है. There is a judgment. एक न्याय वहाँ होने वाला है. So the moment you press this button called prayer, I tell you, you start a legal procedure in heaven. तो जैसे ही आप प्रार्थना ये बटन को आप दबाते हो, जैसे ही आप प्रार्थना करना शुरू करते हो, आप स्वर्ग में एक न्याय की प्रथा को शुरू कर देते हो. Many of us, we don't know the value, the depth, the seriousness of prayer. That's why we are far away from praying. और हम में से बहुत लोग जो मूल्य है प्रार्थना का, जो गहराई है प्रार्थना का, वो नहीं जानते, इसलिए हम प्रार्थना से दूर रहते हैं. Prayer is one of the most powerful exercises you can exhibit in this world. प्रार्थना एक बहुत ही ताकतवर ऐसी एक व्यायाम तौर पर है जो आप इस दुनिया में कर सकते हो. There is no prayer in heaven. स्वर्ग में कोई प्रार्थना नहीं होती. There is prayer on earth. पृथ्वी पर प्रार्थना की जाती है. There is worship in heaven. स्वर्ग में आराधना होती है. There are so many other things in heaven. और कई और बातें वहाँ होती है. Let's turn to 1 Kings chapter 21 verse 25. पहले राजा का किताब 21वां अध्याय उसका 25वां वचन. There was no one like Ahab who sold himself to do wickedness in the sight of the Lord, because Jezebel his wife stirred him up. And Ahab behaved very abominably in following idols, according to all that the Amorites had done, whom the Lord had cast out before the children of Israel. So it was, when Ahab heard these words, that he tore his clothes and put sackcloth on his body and fasted and lay in sackcloth and went about mourning.
And the word of the Lord came to Elijah the Tishbite, saying, See how Ahab has humbled himself before me. Because he has humbled himself before me, I will not bring the calamity in his days. This is what God said. यही परमेश्वर ने उनसे कहा. Listen to this. He has sold himself to do wickedness on this earth. और यहाँ पर लिखा है उसने अपने आप को दुष्टता के प्रति बेच दिया है ताकि वो दुष्टता के काम इस दुनिया में कर सके. See, doing evil is different category. This guy has sold himself to do evil. और दुष्टता के काम करना ये अलग बात होती है, लेकिन एक व्यक्ति ने दुष्टता के प्रति अपने आप को बेच दिया है, ये अलग विषय है. Are you with me? क्या मेरे साथ हो? आप समझ पा रहे हो? Now this guy, there was one incident. He repented. He said sorry to God. लेकिन God said, okay, I heard his prayer. और लेकिन एक समय ऐसा आया जब उसने पश्चाताप किया तो तुरंत ही परमेश्वर ने कहा कि मैंने इसके इसके बातों को सुना है, ठीक है. I'll tell you who said God will not answer prayers. और कौन कहता है कि परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर नहीं देता? This is a classic example from the word of God. ये परमेश्वर के वचन से बहुत बेहतरीन उदाहरण है. Don't allow people to teach you nonsense. लोग आपको बकवास सिखाए इसकी अनुमति आप ना दें. God listens to every prayer of everyone. परमेश्वर हर एक व्यक्ति की हर एक प्रार्थना को सुनता है. Now how many righteous people are sitting here? कितने धर्मी लोग यहाँ पर खड़े हैं? हाँ, विश्वासी. Let me see your hands. आपके हाथों को दिखाएं. Hey, how God will say no? कैसे परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा? हाँ, you don't have your Bible? क्या आपके पास Bible नहीं है? How who teaches us? God, we have to pray and God will say no or yes or. कौन ऐसे सिखाता है कि आप प्रार्थना करोगे और परमेश्वर नहीं कहेगा? I'll give you another example. एक दूसरा उदाहरण दूंगा. Now he is another guy who did so much of evil in this world. और ये दूसरा एक व्यक्ति है जिसने इस दुनिया में बहुत अधिक दुष्टता की काम किए. Okay, God was so upset with him. God changed him into an animal. और इतना परमेश्वर उससे परेशान था कि उसको एक जानवर परमेश्वर ने बना दिया. ऐसा सुना है क्या तुम? That is a level of punishment these guys carry on their heads. They did so much of evil on this earth. इतनी दुष्टता के काम उन्होंने किया है कि इतना बड़ा दंड वो अपने ऊपर लेकर चल रहे हैं. This man, as a जानवर, you know, as an animal, he was crawling. He was crawling, and he looked up in repentance. God heard his prayer. और ये जो व्यक्ति जो जानवर बन चुका था वो वहां पे रेंगते हुए उसने स्वर्ग की ओर देखा और पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उसके बातों को सुना. You understand what I'm talking? क्या आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? I am teaching on your prayer. मैं आपको I am not teaching about these rascals. इन मैं प्रार्थना के विषय आपको सिखा रहा हूँ. How dare you say? How dare you imagine? गॉड किधर है? गॉड सुनता है क्या? क्या करता है गॉड? बेन्नीहीन की प्रार्थना सुनेगा? पास्टर की प्रार्थना सुनेगा? हे, बहुत लोग सोच रहे हैं पास्टर का प्रार्थना गॉड सुनेगा. दैट्स अ लाई. ये एक झूठ है. पास्टर आपके लिए किसके लिए प्रार्थना करना चाहिए? तुम्हारे माउथ नहीं है क्या? तुमको बाइबल नहीं है क्या? You get up and pray. आप उठकर प्रार्थना करें. Today nobody need to pray for you. और कोई आपके लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं. There is no need to pray for you, anybody else. और किसी और के लिए प्रार्थना करने की कोई जरूरत नहीं है. आजकल ये लोग प्रार्थना में रखिए मेरे लिए प्रार्थना की. हे, मैं मेरे लिए प्रार्थना करेगा? तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा? हमारे लिए परिवार नहीं है क्या? प्लीज अंडरस्टैंड दिस. Nobody need to pray for you. और कोई भी आप, you are enough. आपके लिए कोई प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है. आप काफी हो उसके लिए. I want to tell all of you, nobody need to pray for me. मैं आप सभी को कहता हूं कि कोई आपके लिए विशेष तौर पर प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं है. I can handle myself. मैं अपने आप को संभाल सकता हूं. You can handle yourself. क्या? We all can handle ourselves. हम सब अपने आप को संभाल सकते हैं. We have a God. You don't require a pastor. आपको कोई पासवान की जरूरत ही नहीं है. वो ओल्ड टेस्टामेंट है. वो पुराने नियम की बात है. ये न्यू टेस्टामेंट. यू आर द पास्टर. ये नए नियम में आप ही पासबान हो. टेल योर नेबर, यू आर अ प्रीस्ट. और अपने पड़ोसी से कहे तुम एक याजक हो. यू आर अ इंडियन वर्ड में यू आर अ ब्राह्मण ऑफ दिस. ये
ये मुंबई का ब्राह्मण कौन है? हाँ, चलो किधर है? मैं हूं, बोलो, यू टेल योर नेबर, आई एम द ब्राह्मण ऑफ दिस सिटी. Go home, tear your caste certificate, put it in the dustbin. We have nothing to do with that. Who told you are who? Some people said this and that. Hey, come on, you don't trust what the Bible says and what we are saying. Bible kya kehta hai, hum kya kehte hai, ye do vipreet baatein hai. Let's come back. Read Daniel chapter 4 verse 34. Daniel 4 uska 34th. I want you to read this. I want you to, every mouth, every tongue will confess. Every knee will bow. Har ek zuban manegi, har ek ghutna tikega. Nebuchadnezzar's tongue was confessed on that day. See this. Aur us din Nebuchadnezzar jo raja tha, usne ye baat ki ghoshna ki. Let everybody read it. Hum sab saath mein padhe. At the end of this time, I, Nebuchadnezzar, lifted my eyes to heaven, and my understanding returned to me, and I blessed the Most High, and praised and honored him who lives forever. For his dominion is an everlasting dominion. His kingdom is from generation to generation. Hallelujah. Hallelujah. All glory to God. Sari mahima parmeshwar ka. A man, Nebuchadnezzar, with his own mouth, he crawled on four legs. And he said this. और एक राजा जो नबूकदनेस्सर था, वो अपने पैरों पर रेंग रहा था, लेकिन उसने ये घोषणा की. If somebody had an authority in this world, the number one person in the entire history of human race is Nebuchadnezzar. अगर पूरे इतिहास जो इंसानियत की है, उसमें किसी के पास एक अधिकार था सारे दुनिया पर, तो वो ये राजा था नबूकदनेस्सर. Please understand this. Roman kings were there, but they were not as powerful as Nebuchadnezzar. Romi raja wahan par the, lekin wo itne taakatwar nahi the jitna ki ye raja. There were so many kings who came and went in the world, but there is the number one is Nebuchadnezzar. Kitne sare raja aaye aur gaye, lekin sabse bada tha ye raja Nebuchadnezzar. God made him to walk for 7 years on his fours. And at the end of 7 years, he made this statement. और सात सालों के लिए परमेश्वर ने उसे एक जानवर के समान अपने चारों हाथों पैरों पर रेंगता हुआ बना दिया, लेकिन उसके अंत में उसने ये घोषणा की. Today, so please be very clear about our prayer life. हमारे प्रार्थना के जीवन के विषय आप बड़ा साफ मन रखे. I want to teach something about we should not cancel our prayers by our words. हमें अपने शब्दों से अपने प्रार्थना को नकार नहीं देना है. Because the moment you pray, you open a legal procedure in heaven. क्योंकि जैसे ही आप प्रार्थना करते हो, तो स्वर्ग में एक लीगल प्रोसीजर की शुरुआत हो जाती है. It starts in heaven. ये स्वर्ग में शुरुआत हो जाती है. Then after that, it is taken over by the heavenly armies. और उसके बाद जो स्वर्ग की सेनाएं हैं, वो इसे आगे ले जाते हैं. इट इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओनली कंसिस्टेंसी. दे विल डू द रेस्ट ऑफ द हिडन बैकग्राउंड वर्क. और फिर ये फिर उसके बाद आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है. फिर वो उसके पीछे जो काम लगता है वो लेकर चलते हैं. आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. एक उदाहरण मैं आपको दूंगा. देयर वॉज अ टाइम वेयर डैनियल वॉज प्रेइंग. एक समय था जब डैनियल जो है वो प्रार्थना कर रहा. He was very sad about something which was happening in that time. कुछ विषय में वो बहुत दुखी था वहां पे जो घटनाएं घट रही. So he began to fast and to pray. तो वो उपवास करने लगा और प्रार्थना करने लगा. Okay? He began to fast and pray. Every day he was fasting and praying, fasting and praying, fasting and praying. He didn't know whether God has heard the prayer or not heard the prayer. What is the matter? Where is it? Whether this will get answer or not, it looks as if years are going and nothing is happening. There is no sign of anything. So this guy was so disturbed about what was happening around. So this guy was praying. उपवास कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, उपवास कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था. कई साल बीत रहे थे लेकिन कुछ हो नहीं रहा था. ये परेशान हो गया था कि क्या हो रहा है. Let's turn to Daniel chapter 10 verse 2 and 3.
दानियल का दसवां अध्याय उसका दूसरे वचन दानियल चैप्टर 10 वर्स 2 एंड 3 कैन वी रीड इट टुगेदर हम इसे साथ पढ़ेंगे दानियल का दसवां अध्याय दूसरा और तीसरा वचन ओके इन दोज डेज आई दानियल वाज मोर्निंग 3 फुल वीक्स आई एट नो प्लेजेंट फूड नो मीट और वाइन केम इनटू माय माउथ नॉर डिड आई अनॉइंट मायसेल्फ एट ऑल Till 3 whole weeks were fulfilled. Now for 3 weeks he was going on. I don't know how long he was going on. But after 3 weeks, something happened. और कई लंबे समय तक ये चलते रहा था, लेकिन 3 सप्ताह के बाद कुछ होने लगा. An angel came and met him. एक स्वर्गदूत आया और उसे मुलाकात करता. And he said something to him. और कुछ बातें उससे कहता है. Let's read Daniel chapter 10 verse 12. Daniel का दसवां अध्याय उसका 12वां वचन हम. 12 and 13. Can we read it? 12वां और 13वां वचन हम पढ़ेंगे. Then the angel said to me, Do not fear, Daniel, for from the first day that you set your heart to understand, to humble yourself before your God, your words were heard, and I have come because of your words. 13. But the prince of the kingdom of Persia withstood me 21 days. Behold, Michael, one of the chief princes, came to help me, for I had been left alone there with the kings of Persia. See, here the angel is telling him, from the first day when you started this work, your prayers are answered, heard. और स्वर्गदूत उससे कह रहा है कि जो जो पहले दिन तूने प्रार्थना करना शुरू किया उसी दिन तेरी प्रार्थनाएं सुनी गई थी. Your words are heard on that day. और आपके जो शब्द है वो उसी दिन सुने गए थे. प्लीज अंडरस्टैंड, इस बात को समझे. गॉड हियर्स योर प्रेयर ऑन द फर्स्ट डे. परमेश्वर पहले ही दिन आपकी प्रार्थनाओं को सुन लेता है. यू प्रे फॉर एनीथिंग, आप किसी भी विषय प्रार्थना करें, गॉड हियर्स दैट प्रेयर. वो परमेश्वर उसको सुनता है. आफ्टर गॉड हियर्स प्रेयर, व्हाट ही डस. और परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने के पश्चात वो क्या करता है. लेट्स रीड दानियल चैप्टर 9. दानियल का 9वां अध्याय पढ़ेंगे. वर्स 23. God, when he hears your prayer, he gives a command. परमेश्वर जब आपके प्रार्थनाओं को सुनता है वो एक आदेश देता है. Immediately, a command. Command means एक आज्ञा. आज्ञा ना? आज्ञा. Command. It's a military order. God immediately releases a command. परमेश्वर तुरंत ही एक आज्ञा को वहां स्वतंत्र करता है. Please understand. Today some people are saying, Pastor, we are praying for this thing for a long time. We don't know. There is no light. I'll tell you, look into the matter properly, okay? Something is wrong from your side. That's why it is taking so long a time. और आप अगर कहते हो कि हम इतने लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन कुछ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप अपने आप में देखें कि क्या गड़बड़ है. God gives a command immediately. परमेश्वर तुरंत ही उस आज्ञा को देता है. But verse 13. लेकिन 13वां वचन देखें. This is Daniel chapter 10 verse 13. But the prince of the kingdom of Persia withstood me 21 days. लेकिन दानियल के 10वें अध्याय 13वें वचन में लिखा है कि फारस के राजा का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना करते रहा. Now this guy was bringing the answer to Daniel. अब दानियल के पास ये वो उस उत्तर को लेकर आ रहा था. But there was some sort of a resistance in the heavenlies. लेकिन वहाँ पे किसी प्रकार की बाधा वहाँ पर सामने खड़ी हो गई थी जो स्वर्ग में वहाँ पर मौजूद था. Okay, that is why the answer could not reach Daniel. और उसी कारण वो उत्तर जो है वो दानियल तक पहुँच नहीं पाया. See, it was such a big thing. Michael came to help this angel. और इतना बड़ी बात हो गई थी कि माइकल जो स्वर्गदूत है वो स्वयं वहां पर आया और उसकी वो दूसरे स्वर्गदूत की मदद के लिए आया. Listen to this carefully. ये ध्यान से सुने. Can we read verse 13? 13वां वचन को पढ़े. But the prince of the kingdom of Persia
which stood me 21 days, and behold, Michael, one of the chief princes, came to help me, for I had been left alone there with the king of Persia. See, something has happened in the heavenlies which stopped the answer from coming here. Swargiya sthanon mein kuch aisi ghatna ghati jisne aapke uttar ko niche tak aane nahi diya. Okay? It is important to know the equation which happens between the angels, because God immediately released the answer, but in the middle there was some confusion so that the answer could not reach us. परमेश्वर ने तो तुरंत ही वहां पर अपने उत्तर को भेज दिया था, लेकिन बीच रास्ते में ही कुछ ऐसी घटना घटी जिसके कारण वह उत्तर पहुंच नहीं पाया उन तक. Now after the resurrection of Jesus, we don't know how these equations changed. अब यीशु के पुनरुत्थान के पश्चात ये बातें कैसे होती है ये हम नहीं जानते. Some people say this is not true after the resurrection. कुछ लोग कहते हैं कि यीशु के पुनरुत्थान के बाद ऐसी घटनाएं नहीं घटती. But I somewhere feel that there may be certain changes, but this is still true even today. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बदलाव तो जरूर आए होंगे, लेकिन ये ऐसी जो बातें हैं वो अब भी होती होगी. Now please understand, you should know between God and you there is an angelic army when it comes to your prayer. और आपको ये बात समझना है कि परमेश्वर और आपके बीच में स्वर्गदूतों की एक बड़ी सेना ही है आपके प्रार्थना के बीच. Many people don't know this. बहुत से लोग ये नहीं जानते. They think only I pray to God and God answers me. और वो ये सोचते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ और परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनता है. But the Bible says there are spirits, angelic spirits, which are there in ministering to us. लेकिन बाइबल ये कहता है कि स्वर्गदूतों की एक सेना है जो वहां पर सेवकाई कर रही है हमारे साथ. For example, Hebrews chapter 1 verse 14. इब्रानी 1:14 को देखें. We will read it together. हम इसे साथ पढ़ेंगे. Hebrews 1:14. इब्रानी 1:14. We will read it in NLT. Sorry, we will read it in NLT because ministering spirits. What minister? Minister means chief minister. Many people don't know what minister is. Let us read in NLT. हम दूसरे के अनुवाद में इसे पढ़ेंगे. Okay. Here we go. Therefore, angels are only servants, spirits sent to care for people who will inherit salvation. Do you know? You have angels. क्या आप जानते हो कि आपके लिए कोई स्वर्गदूत है? हाँ. Who are these people? ये लोग कौन हैं? Who are going to inherit salvation? ये उद्धार को पाने वाले. Come on. Who are these people? ये लोग कौन हैं जो उद्धार को पाने वाले? Who are inheriting salvation? जो उद्धार को विरासत में पाते हैं, मैं. So there are angels who are assigned for me. तो ऐसे स्वर्गदूत हैं जिनको नियुक्त किया जाता है हमारे लिए. Do you know you have spirits, angelic spirits assigned for you? क्या आप जानते हो कि आपके लिए ऐसे स्वर्गदूतों की एक सेना आपके लिए भी नियुक्त किए जाते हैं? हाँ, you know? आप जानते हो? You think now you are alone, nobody is there. आपको लगता है कि आप अकेले हो, कोई नहीं है आपके साथ? हाँ, there are angels, स्वर्गदूत हैं वो जो आपके लिए नियुक्त किए गए हैं. ओके, दीज एंजल्स आर दे नो यू फ्रॉम योर मदर्स वूम्ब. और ये स्वर्गदूत आपके माँ के गर्भ से ही वो आपको जानते हैं. यू नो दीज एंजल्स आर असाइन टू यू व्हेन यू आर इन योर मदर्स वूम्ब. आपके माँ के गर्भ में ही इन स्वर्गदूतों को नियुक्त किया जाता है. ओके, सो ऑलरेडी एंजल्स आर असाइंड टू योर चिल्ड्रन. तो पहले से आपके लिए, आपके बच्चों के लिए स्वर्गदूतों का नियुक्त किया जाता है. And you know how these angels are assigned? क्या आप जानते हो कि ये स्वर्गदूतों को किस प्रकार से नियुक्त किया जाता है? When you become a mother, जब आप एक माँ बनते हो, when a child is made in your womb, जब आपके गर्भ में एक संतान को बनाया जाता है, these angels go to Father God and request him. और ये स्वर्गदूत पिता परमेश्वर के पास जाते हैं और उनसे विनती करते हैं. To make them as guardian angels for the child which is going to come. वो जो संतान जिसका जन्म होने वाला है उसके लिए सुरक्षा के लिए एक सेना बनाई जाए, ऐसे वो विनती करते हैं. Many people don't know this. कई लोग ये बातों को नहीं जानते. Okay, when you were in your mother's womb, there were angels who went and who was requesting God to send them as
guardian angels. और आप जब आपके माँ के गर्भ में थे तो ऐसे स्वर्गदूत थे जो पिता परमेश्वर के पास पहुंचे और उनसे विनंती की कि उन्हें भेजे और नियुक्त करे आपके लिए. So there are many applications for one baby. एक बच्चे के लिए कई सारे लोग ऐसे आते हैं, कई स्वर्गदूत आते हैं और एप्लीकेशन देते हैं. But God selects some specific people, specific angels out of that big group. और वो बड़े से झुंड में परमेश्वर पिता परमेश्वर उनमें से कुछ को चुनता है और उस बच्चे के लिए रखता है. You understand? क्या आप समझ पा रहे हो? Do you know your many people don't know these things. बहुत से लोग ये बातों को नहीं जानते. I'm not saying it's in the Bible. ये सब बाइबल की बातें हैं, मैं नहीं कहता. Okay? And because of their love towards that baby, God assigns them to take care of these children. और उनके उस बच्चे के प्रति जो प्रेम उनको पिता परमेश्वर देखते हैं और उन स्वर्गदूतों को नियुक्त करते हैं. So children are extremely precious. तो ये बच्चे जो है ये बहुत ही बहुमूल्य है. Very precious. Your son, your daughter is very precious. आपका बेटा या बेटी ये बहुत ही बहुमूल्य है. Many parents have sinned against their children. कई सारे माता पिताओं ने अपने बच्चों के प्रति ही पाप किया है. Okay, when you don't appreciate your daughter as beautiful, you have sinned. जब आप अपनी बेटी को आप सुंदर कहकर उसकी सराहना नहीं करते तो आप उसके प्रति एक पाप करते हो. If you have not told your son you are the most, you know, most dynamic and handsome. If you have not said that, you have sinned against your children. अगर आपने अपने बेटे से नहीं कहा है कि तुम बहुत सुंदर दिखते हो तो आपने अपने बेटे के प्रति पाप किया है. Because for angels, they have such a love towards your children. क्योंकि जो स्वर्गदूत है उनको आपके संतानों के प्रति इतना अधिक प्रेम है. Let's turn to Matthew chapter 18 verse 10. मत्ती 18वां अध्याय उसका 10वां वचन हम देखेंगे. हाँ. Beware that we'll read it together. चलो हम साथ पढ़ेंगे. Beware that you don't look down upon any of these little ones. For I tell you that in heaven their angels are always in the presence of my heavenly Father. Yes. The small babies in your hands, there is a great dynamics, a spiritual dynamics they carry in heaven, which you don't know as a father and mother. Because you mess it up. We mess with our words and behaviors. They mess their lives. और क्योंकि एक माता-पिता होने के नाते अगर आप अपने शब्दों से उनसे गड़बड़ी करते हो तो फिर उन बच्चों के जीवन में भी सारी गड़बड़ी हो जाती है. I'll tell you one thing. एक बात आपसे कहूँगा. If you really read Matthew chapter 18, he says, you know, unless you repent and become like a small child, you will not enter the kingdom of God. और मत्ती का 18वां अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो आप जानोगे कि वहाँ पर लिखा है कि जब तक तुम पश्चाताप नहीं करते और ये छोटे बालकों के समान नहीं बन जाते, तुम स्वर्ग में प्रवेश ही नहीं कर सकते. I want you to turn to Matthew chapter 18. आप इस वचन को निकालेंगे मत्ती के 18वें अध्याय. Matthew chapter 18. It's very, very precious. You know, verse 3. तीसरा वचन. Verse 3. ये तीसरा वचन. Let us read this. हम इसे पढ़ेंगे. Assuredly I say to you, unless you are converted and become as little children, you will by no means enter the kingdom of heaven. Listen, this is what Bible God says. यही परमेश्वर कह रहा है. You know why? You know why God said like this? क्या आप जानते हो कि क्यों परमेश्वर ऐसी बातें कर रहा है? There is a reason. एक कारण है. See verse 4. चौथा वचन देखेंगे. See verse 4. चौथा वचन देखें. Therefore, let's read it. Therefore, whoever humbles himself as this little child is the greatest in the kingdom of heaven. Whoever, come on, 5. Whoever receives one little child like this in my name. Receives me. I'll tell you something.
मैं आपसे कुछ कहूंगा. The most humble people on this earth are these small children. और सबसे नम्र लोग जो इस पृथ्वी पर है वो ये छोटे बच्चे हैं. You look at them. आप उनकी तरफ देखें. For these children, you know. क्योंकि ऐसे स्वर्गदूतों को नियुक्त किया जाता है इन बच्चों के लिए. After you become 18, those angels will not leave you. और आप 18 साल के हो जाते हो उसके बाद वो स्वर्गदूत आपको छोड़ते नहीं हैं. There was a day I was like this. एक समय था जब मैं भी इन छोटे बच्चों के समान मेरी वय उतना था. From that day till today, those angels are still with me. उस दिन से आज तक वो स्वर्गदूत अब भी मेरे साथ चलते हैं. Are you with me? क्या आप मेरे साथ हो? Yes. हाँ. Because I have angels with me. You have to be little careful with the angels. और क्योंकि ये स्वर्गदूत आपके साथ चल रहे हैं तो आपको थोड़ा संभल कर रहना होगा जैसे किस प्रकार से आप व्यवहार कर रहे हो उन स्वर्गदूतों के साथ. Angels are not like God. स्वर्गदूत जो है वो परमेश्वर के समान नहीं है. They are different. वो अलग है. Let's read about angels. हम स्वर्गदूत के बारे में कुछ पढ़ेंगे. Today many of us we should know how our prayers are why the prayers don't work. कईयों को जानना है कि हमारा प्रार्थना किस प्रकार का प्रभाव डालता है. Okay, let's turn to Exodus chapter 23. निर्गमन उसका 23वां अध्याय. Verse 20 onwards. 20वें वचन से लेकर. Can we read it together? Exodus 23 verse 20. 20वें वचन से हम पढ़ेंगे. चलो चलो. Behold, I send an angel before you to keep you in the way. And to bring you to the place which I have prepared. Beware of him and obey his voice. Do not provoke him, for he will not pardon your transgressions, for my name is in him. 22. But if you are careful to obey him, follow all my instructions, then I will be an enemy to your enemies, and I oppose those who oppose you. Please understand. इस बात को समझे. When you pray, जब आप प्रार्थना करते हो, and you say, एक कैसा होगा, finished. और आप ऐसी उल्टी बात करते हो, तो सब बातें खत्म. Angels will never ever tolerate your wrongdoings. और स्वर्गदूत जो है, आपके ये गलत बर्ताव को वो सहन नहीं करेंगे. Because they won't forgive you. क्योंकि वो क्षमा नहीं करेंगे आपको. Their dealings are very different. वो उनका स्वभाव बहुत अलग है. They will only listen to the word of God. वो केवल परमेश्वर के वचन को ही सुनते हैं. That is why when it comes to your son or your daughter, you will only say what God said about that son or daughter. तो आपके बेटा या बेटी के प्रति आप वही बातें करोगे जो परमेश्वर का वचन ने आपसे कहा है. This angel will go before your children. ये स्वर्गदूत आपके बच्चों के आगे आगे चलेंगे. It will take them to the place destined for them. और वो उनको उस स्थान पर पहुंचाएंगे जो उनके लिए तैयार किया गया था. There is an angel for me. एक स्वर्गदूत है मेरे लिए भी. Now he has led me from Madurai to Mumbai. और मदुराई से लेकर मुंबई तक उसने मुझे पहुंचाया है. Now from here where I have to go, what I have to do, he will lead me. और यहां से मुझे कहां जाना है, क्या काम करना है, ये वो मेरी अगुवाई करेगा. I only should be very careful with my words. मुझे केवल अपने शब्दों के साथ संभल कर रहना है. There are many things God has told me, I will tell only that. और कई बातें परमेश्वर ने मुझसे की है, तो मैं केवल वही बातें को करूंगा. Because whenever I am disturbed, I say the word of God. क्योंकि जब भी मैं परेशान होता हूँ, मैं केवल परमेश्वर के वचन की घोषणा करता हूँ. I never come to anybody and say, "What do you think? What do you think?" Hey, I don't care. What do you think? I care from what do my God think. मैं कभी भी किसी के पास जाकर ये नहीं पूछता कि तुम क्या सोचते हो, तुम क्या समझते हो. मैं केवल अपने परमेश्वर के पास जाता हूँ और पूछता हूँ, आप क्या सोचते हो? Because God's word is what these angels will hear. क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो स्वर्गदूत सुनेंगे. See, Bible doesn't say, you know, if you transgress, if you beware of him and obey his voice, don't provoke him. It says, don't provoke him. और यहाँ पर लिखा है कि तुम उसे प्रोवोक ना करो. Okay, how you actually provoke him with your words? और किस प्रकार से आप उसे अपने शब्दों से परेशान कर सकते हो? हाँ, because angels can only listen to the word of God.
और क्योंकि स्वर्गदूत जो है वो केवल परमेश्वर के वचन को ही सुनेंगे. टेक साम 103 वर्स 20. भजन संहिता 103 उसका 20वां वचन देखेंगे. कैन वी रीड इट टुगेदर? हम साथ पढ़ेंगे इसे. ब्लेस द लॉर्ड यू हिज एंजल्स. से कम ऑन एवरीबॉडी. हम साथ में पढ़ेंगे. ब्लेस द लॉर्ड यू हिज एंजल्स हु एक्सेल इन स्ट्रेंथ हु डू हिज वर्ड हीडिंग द वॉइस ऑफ हिज वर्ड. दे विल ऑलवेज Listen to the word of God and do the word of God. वो हमेशा परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और वही वचन को पूरा करेंगे. Consider, I give you an example. Your son is not good in a particular subject. मान लो कि आपका बच्चा जो है वो एक विषय में वो अच्छी पढ़ाई नहीं कर पा रहा है. Why should I be bothered if he is not bothered about a subject? I will tell what God has told me about my son. मैं वही बातों को करूंगा जो परमेश्वर मेरे बेटे के बारे में बात कर रहा है. That is all I have to say. वही मुझे कहना है. I never go to him and say, hey, don't do this, do that. Hey, no, no, that is not my work. मैं उसके पास जाके तुम्हें ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना ये नहीं कहूंगा. Because I have to do what the word of God says. Because angels are listening to my prayer. क्योंकि स्वर्गदूत मेरे प्रार्थनाओं को सुन रहा है. So today, if you Only talk the word of God, your children will be going very fast and very clear in their आज lives. अगर आप केवल परमेश्वर के वचनों की घोषणा करते रहे तो आपके बच्चे बहुत आगे निकलेंगे. Because whenever we pray, God listens to that prayer and sends the answer. क्योंकि जब भी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है उसका उत्तर भेजता है. The moment you pray, that command is released. जैसे ही आप प्रार्थना करते हो वो आज्ञा दी जाती है. Immediately the command is released. तुरंत ही वो आज्ञा दी जाती है. Now this command is for the angels. और ये आज्ञा जो है ये स्वर्गदूतों के लिए है. Immediately they will do the work. और तुरंत ही वो काम को पूरा करते हैं. Sometimes there are some things which happen in the heavenlies. Because of that, there can be a delay. और कई बार ऐसे होता है कि कुछ स्वर्गीय स्थानों पे कुछ बातें घट रही हैं इसलिए कुछ देरी आ सकती है. Let us read one more verse. Psalm 91:11-13. Psalm 91:11-13. Okay, can we read it? Yes. Now this, let's start. For he shall give his angels charge over you to keep you in all your ways. In their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. You shall tread upon the lion and the cobra, the young lion and the serpent you shall trample underfoot. Now here, Angels are given charge over you. और यहाँ पे स्वर्गदूतों को आपके निमित्त एक आज्ञा दी गई है. To keep you in all your ways. ताकि आप जहाँ कहीं भी जाए वो आपको सुरक्षित ठहराए. Please understand this. इस बात को समझे. It is not to keep you in the places where you go here and there. वो आप रास्तों पे इधर उधर जा रहे हो वहाँ पे आपको संभाल में रखने के लिए बात ही नहीं की गई है. No, it to keep you in this life. इस जीवन में आपको बनाए रखने के लिए. राइट फ्रॉम योर बर्थ टिल योर डेथ टू कीप यू. एंजल्स आर गिवन चार्ज. आपके जन्म से लेकर आपकी मृत्यु तक आपको संभाल कर रखने के लिए स्वर्गदूतों को आज्ञा दी गई है. इट इज नॉट एवरीडे गॉड इज सेइंग तुम जाओ इधर तुम जाओ. ऐसा नहीं है. दिस इज परमानेंटली फिक्स्ड. यू हैव एंजल्स who have already bear the charge to keep you in all your ways. और पहले से ही ऐसे स्वर्गदूतों को निमित किया जाता है कि आपको आपके सारे रास्तों में आपको संभाल कर वो ले जाए. Businessmen, जो व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, whoever you are, Angels are assigned to keep you in all your ways. स्वर्गदूतों को निमित किया जाता है कि आपके सारे रास्ते वो आपके साथ चले. It will take your business from this level to this level. वो आपके व्यापार को इस स्थान से ऊंचे स्थान तक पहुंचाएगा. Please understand. इस बात को समझे. It is angels' responsibility to take you from here to there. ये स्वर्गदूतों की जिम्मेदारी है कि वो आपको यहाँ से वहां तक ले जाए. Only you don't provoke him. केवल आप उसको विरोध ना करें. With your own words. अपने ही शब्दों से. With your own wise words, you know, some people are extremely wise. अपने ही ज्ञानी शब्दों से. मुझे मालूम है. ऐसा लोग किधर नहीं जाएंगे? Because they provoke the angel every day. क्योंकि वो हर दिन उन स्वर्गदूतों को विरोध करते हैं. हाँ.
घमंडी लोग किधर भी नहीं जाएंगे, बिकॉज दे प्रोवोक, क्योंकि वो विरोध वो विरोध करते हैं. They provoke the angels. वो उन स्वर्गदूतों का ही विरोध करते हैं. When you are proud, you provoke the angels. आप जब घमंडी बनते हो तो आप उन स्वर्गदूतों को आप विरोध करते हो. When you are humble, you invite the angels. जब आप नम्र बनते हो तो आप स्वागत करते हो उन स्वर्गदूतों का. When you talk wrongly, you provoke the angels. जब आप गलत बात करते हो तो आप उनका विरोध करते हो. I'll tell you one more thing. When you repent, angels are happy. जब आप पश्चाताप करते हो तो स्वर्गदूत खुश होते हैं. When you say sorry, जब आप कहते हो क्षमा करें, very difficult not to say sorry. काम है. Some people are always right. कुछ लोग हमेशा वो सही करते हैं, ऐसे सोचते right. मैं hey, सही come on, काम Mr. Right and all, गलत हो जाएगा. किधर नहीं पहुंचेगा. ओके, यू कैन बी मिस्टर राइट, यू कैन टेल एवरीबडी यू आर द मिस्टर राइट, बट लेट मी टेल यू, एंजल्स बिकम हैप्पी व्हेन यू से सॉरी. आप शायद सही हो सकते हो और सबसे यही कहते फिर रहे हो, लेकिन आप जब क्षमा मांगते हो, मन फिराते हो, तो स्वर्गदूत खुश होते हैं. हाँ, या लेट्स कम टू दिस प्लेस. इन देयर हैंड्स दे विल बेयर यू अप, लेस्ट यू डैश योर फुट अगेंस्ट अ स्टोन. वो आपको अपने हाथों में हाथ उठा लेते हैं ताकि आप अपने पाओ को पत्थर से ना ठेस लगे. हाउ मेनी ऑफ यू ऑल केम वॉकिंग ओनली ना, आप सब वहां पर चल के इस रास्ते. कितने लोग पत्थर में तुम्हारा हाथ पैर डाल के आए. ये पत्थर क्या है? इफ यू आर विजुअली चैलेंज, मे बी देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू हिट अगेंस्ट अ स्टोन, राइट? अदरवाइज इट्स देर इज नो पॉसिबिलिटी. व्हाट इज दिस स्टोन? अगर आपकी नजर कमजोर हो तो ऐसा हो सकता है कि शायद आपके पत्थर पर टकरा गए, लेकिन ये जो पत्थर यहाँ पर लिखा है ये क्या है? व्हाट इज दिस स्टोन? ये क्या, किस पत्थर के बारे में लिखा है? सी, बाइबल टॉक्स दैट Human beings are stones. और बाइबल ऐसी तुलना करता है मनुष्यों का और पत्थरों का. And Jesus Christ is chief cornerstone. और यीशु मसीह जो है वो मुख्य पत्थर है. Okay, he is the chief cornerstone. We are all living stones. और हम सब जीवित पत्थर है. Now these are all dead stones. अब ये सब मरे हुए पत्थर के बारे में लिखा हुआ है. Listen. सुनिए. You need not kick against many dead people. They will never come in your way because angels are responsible. कुछ for that. ऐसे मरे हुए पत्थर पे आपके पांव कभी भी ठेस नहीं पहुंचेगी, क्योंकि कभी आपके रास्ते नहीं आएगी, क्योंकि स्वर्गदूत उन्हें आपके रास्ते आने नहीं देगी. Many people are struggling with dead people. बहुत से लोग ऐसे मरे हुए लोग उनके जीवन में जो उनको परेशान कर रहे हैं, वो उनसे वो पीड़ा सह रहे हैं. Many people tell me, Pastor, I don't know what to do. They are not changing also. They are not leaving also. I am tied in this family. I am tied in this job. I am tied in this place. I don't know what to do. Let me tell you. Angels are there. You will never, your leg will never ever hit a stone because you are a living stone. और कई लोग ऐसे कहते हैं कि पासवान हम यहाँ पर इस परिस्थिति में हम उन लोगों के साथ फंसे हैं, वो बदलते भी नहीं है, वो जाते भी नहीं है, हम फंसे हुए अनुभव कर रहे हैं. और मैं आपसे कहता हूँ कि आप कभी भी आपका पैर ऐसे मरे हुए पत्थरों के साथ टकराव नहीं होगा, क्योंकि स्वर्गदूत आपके साथ है. आप जीवित पत्थर हो. बिकॉज ऑफ योर वर्ड्स, आपके शब्दों के कारण एंजल्स आर प्रोवोक्ड. स्वर्गदूतों का आपने विरोध कर दिया. दे आर नॉट प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम द बैड पीपल. वो बुरे लोगों से आपकी सुरक्षा नहीं कर रहे हैं. दैट्स व्हाई बैड पीपल आर ट्रबलिंग द किंगडम ऑफ गॉड. और इसीलिए ही बुरे लोग परमेश्वर के राज्य को परेशान कर रहे हैं. द प्रॉब्लम इज विद माय वर्ड्स. परेशानी आपके शब्द जुबान पे है. बिकॉज आई हैव प्रोवोक्ड द एंजल विद माय, क्योंकि इन स्वर्गदूतों का विरोध आपने किया है. मेनी ऑफ अस वी वंडर व्हाई माय प्रेयर इज नॉट आंसर्ड. बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मेरे प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा. व्हाट हैव यू डन विद योर वर्ड्स? व्हाई योर टंग? व्हाट इज यू आर डूइंग विद योर टंग? आपकी जुबान के साथ आप क्या कर रहे हो, अपने शब्दों के साथ आप क्या कर रहे हो? हियर ही सेज वर्स 13, कैन वी रीड इट टुगेदर? और यहां पर हम पढ़ेंगे 13वां वचन. यू शैल, कम ऑन एवरीवन, हम साथ यू शैल ट्रेड अपॉन द लायन एंड द कोबरा, द यंग लायन एंड द सर्पेंट यू शैल ट्रैम्पल अंडरफुट. व्हाट इज दिस कोबरा एंड व्हाट इज दिस लायन?
ये सिंह और नाग ये सब क्या है? Bible never said you will trample the stones. Bible में ऐसा नहीं लिखा है कि तुम उन पत्थरों को तुम लताड़ोगे, ऐसा नहीं लिखा है. No, you cannot trample any stone. किसी पत्थर को आप कुचल नहीं सकते, लताड़ नहीं सकते. We have nothing to do with the stones. हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं है. We will not dash against the stone. उनसे टकराव नहीं होगा हमारा. But you will trample your cobra. लेकिन एक नाग को आप कुचलोगे. Are you with me? You learn something. इस बात को आप tell your neighbor, I'm learning something. अपने पड़ोसी से कहो कि मैं कुछ सीख रहा हूँ. But a cobra, you have to kick the cobra with your legs. लेकिन उस नाग को अपने पैरों से आपको कुचल देना है. Because they are evil spirits. क्योंकि वो दुष्ट आत्माएं हैं. These are evil spirits. ये दुष्ट आत्माएं हैं. These are scorpions. ये ऐसे बिच्छू हैं. Let us turn to Luke chapter 10 verse 19. लुका दसवां अध्याय उसका 19वां वचन. स्कॉर्पियंस ये बिच्छू है. सर्पेंट्स ये सर्प है. कोबरा नाग है. लायन सिंह है. हु आर दीस ये सब कौन है? दे आर ऑल इविल स्पिरिट्स. ये दुष्ट आत्माएं हैं. दिस यू हैव टू किल ओनली. आमेन आमेन आमेन. टुडे मेनी ऑफ द किंगडम पीपल यू नो दे आर कॉट इन डिफरेंट प्लेसेस. And they don't know what to do. आज कई सारे परमेश्वर के राज्य के लोग अलग अलग जगहों पर ऐसे फंसे हुए हैं. वो नहीं जानते क्या करना है. They are actually trapped in certain jobs, in certain places, or even in certain places in their lives. They are not able to get out. और वो ऐसे कुछ नौकरियों पे, कुछ स्थानों पे, कुछ जगहों पे ऐसे फंसे हुए हैं. वो बाहर ही नहीं निकल पा रहे. Angels are released for you by Father God. In the event before your birth, to take care of you till the end of your day. और स्वर्गदूतों को आपके जन्म से भी पहले आपके लिए नियुक्त किया गया था कि ताकि आपको उस स्थान पे पहुंचाया जाए पर जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया है. I'll tell you, you are already so privileged because you are in Christ. और मैं आपसे कहता हूं कि पहले से ही आप इतने भाग्य से भरे हुए हो क्योंकि आप मसीह में हो. We don't know the truth. We don't enjoy the truth. हम उस सच्चाई को नहीं जानते, इसलिए उस सच्चाई का आनंद हम नहीं ले पा रहे. And we think sinners are enjoying life. और हम सोचते हैं कि जो पापी लोग हैं, वो अपने जीवन में आनंद मना रहे हैं. एक लड़का आया, वो बोला, Pastor, मैं यीशु में आने के पहले 4 साल enjoy कर रहा था. हे इधर आ. कैसे बोलते हैं देख. My friends, today you should know you are the most powerful human beings on this earth. आपको जानना है कि इस पृथ्वी में रहने वाले सबसे ताकतवर लोग आप ही हो. You can change, reorder this earth with your words. अपने शब्दों द्वारा आप इस पृथ्वी को ही फिर से स्थापित कर सकते हो. You have angels. स्वर्गदूत आपके साथ है. There was a time Jesus was so weak. Angels came and ministered to him. और एक समय था जब यीशु बहुत कमजोर महसूस कर रहे थे, तब स्वर्गदूत आए और वहाँ पर सेवकाई की. After fasting. उपवास के पश्चात. Matthew chapter 4 verse 11. 11वां वचन. Angels came and ministered to Jesus. स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे. Who are these angels? ये स्वर्गदूत कौन है? This was the angels which was taking Jesus from his where he was to where he has to go. और ये वो स्वर्गदूत थे जो आए और यीशु को जिस स्थान पे वो थे वहां से लेकर दूसरे स्थान तक पहुंचाने गए. They were ministering to him. वो सेवा कर रहे थे. See, listen, today I never talked about angels physically ministering to you. और आज ऐसे प्राकृतिक तौर पर कुछ सेवा कर रहे हैं ऐसे नहीं कह रहा हूं. That is another arena altogether. Today I am talking only about your prayer. आज केवल प्रार्थना के विषय बात कर रहा हूँ. See, when Peter was arrested in the prison, angels came and released him. That is another story altogether. और जब पतरस वो वहाँ बंदी गृह में बंधा हुआ था, लेकिन वहाँ से छुड़ाकर लेके गया, ये दूसरा विषय है. These are other things which today I am not teaching about. और ये दूसरी बातें हैं जो आज उस विषय में मैं नहीं सिखा रहा हूँ. Today I am teaching you how the angels are taking you
in your prayer life. और आज आपको सिखा रहे हैं कि किस प्रकार प्रार्थना के जीवन में आपको किस प्रकार ले चल रहे हैं. Today none of you need to be afraid of anything in your life. You have something called prayer. और आप में से किसी को भी किसी भी विषय में भयभीत होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास प्रार्थना करने की क्षमता है. Your prayers can never be canceled. आपकी प्रार्थनाओं को कभी भी नकार नहीं दिया जा सकता. Your prayers need to be answered anyhow. किसी भी तरीके से उन प्रार्थना को उत्तर दिया ही जाना चाहिए आपका. When you start a prayer, you open a file, a legal file in the heavenly courts. आप जब प्रार्थना करना शुरू करते हो तो स्वर्गीय स्थानों में, स्वर्ग में आप एक कानूनी कार्रवाई शुरू कर देते हो. There is a new destiny which will start in your life the moment you pray. एक नया कार्य ही शुरू हो जाता है जब आप प्रार्थना करना शुरू करते हो. That's why prayer is so very important. और इसलिए प्रार्थना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है. Every family should become a family of prayer. प्रार्थना का एक परिवार बने. Every human being, everyone sitting here should be a person of prayer. हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर बैठा हुआ है वे प्रार्थना का एक व्यक्ति बने. You should pray like never before. कभी भी ना किया हो ऐसा प्रार्थना आप करें. Pray. प्रार्थना करें. Till you reach that point. जब तक आप उस स्थल तक नहीं पहुंच पाते हो. The earth is filled with spiritual opposition for a child of God. और आत्मिक तौर पर एक विरोध परमेश्वर के संतान के लिए. I'll tell you something. Many oppositions we have is not political, it's spiritual. कई सारे विरोध जो आपके प्रति है वो 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 प्राकृतिक नहीं है बल्कि आत्मिक है. It's spiritual. वो आत्मिक है. What is spiritual? You can't solve by your intelligence. जो आत्मिक है वो विषय को आप अपनी प्राकृतिक बुद्धि से उसको सुलझा नहीं सकते. You can't. नहीं आप नहीं. There are issues in your life which are spiritual. कुछ बातें आपके जीवन में ऐसी है जो आत्मिक है. You can't solve that with your money. अपने पैसों से आप उसे सुलझा नहीं सकते. Or with your intelligence. या अपनी बुद्धि से. You can only solve it through prayer. वो आप केवल उसे प्रार्थना से ही सुलझा सकते. There are problems in my life which is spiritual. कुछ परेशानी मेरे जीवन में ऐसी है जो आत्मिक है. I have to pray. मुझे प्रार्थना करना ही है. What I teach now brings a release in your prayer life. जब मैं आपको सिखा रहा हूँ ये आपके प्रार्थना के जीवन में आपको स्वतंत्र. So when you pray, you get the answer. जब आप प्रार्थना करते हो आप उसका उत्तर पाते हो. You are a winner, you are successful. आप विजेता हो, आप उन्नति पाते हो. Over a period of time, you know. Nothing can stop you. और कुछ समय पश्चात आप जान लेते हो कि कोई भी विषय आपको रोक नहीं सकती. Nothing can stop you. कुछ भी आपको रोक नहीं सकती. Because you know. क्योंकि आप जानते हो. You have done your homework. आपने अपना कार्य पूरा किया है. Friends, I want everyone. God wants every one of you to be a man of prayer. परमेश्वर चाहता है कि आप में से हर एक प्रार्थना का एक व्यक्ति बने. A woman of prayer. प्रार्थना का एक स्त्री बने. Pray in tongues. आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें. Pray in your mother tongue. आप अपनी मातृभाषा में प्रार्थना करें. Pray and pray. प्रार्थना करें और अधिक प्रार्थना करें. I'll tell you, you need see if you do not know how to pray in tongues, no problem, still you can pray. अगर आप अन्य भाषा में प्रार्थना करना नहीं जानते कोई परेशानी नहीं, आप अपनी भाषा में प्रार्थना करें. There was a young lady called Hannah. She prayed. She doesn't know how to talk in tongues. एक जवान स्त्री थी हाना, उसका नाम था. वो प्रार्थना करना अन्य भाषा में प्रार्थना करना नहीं जानती थी, लेकिन उसने प्रार्थना किया, प्रार्थना किया. Samuel prayed the whole night. He doesn't know how to talk in tongues. Samuel ने पूरी रात तक प्रार्थना की. वो अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं कर रहा था. These guys pray. इन लोगों ने प्रार्थना किया. They pray. प्रार्थना किया. Mothers, if you can pray, you can change everything. माताएं, अगर आप प्रार्थना करना जानते हैं तो हर एक बातों को आप बदल सकते हैं. Fathers, you can pray, you can change the destiny. पिताएं, अगर आप प्रार्थना करना जानते हो तो अपने बच्चों के भविष्य को आप बदल सकते हो. Who said our children will be lost? कौन कहता है कि हमारे बच्चे खो जाएंगे? Who said our businesses will not prosper? कौन कहता है कि हमारी जो व्यापार है वो फलवंत नहीं हो पाएगी? Who said this cannot be done? कौन कहता है कि ये नहीं हो पाएगा? Everything is yes and amen to our Father. हर एक बातें हाँ और आमीन है मसीह में. Yes and amen. हाँ और आमीन है. That is Father God. यही पिता परमेश्वर है. That is His promise. यही उसका वायदा है. That is His prayer. यही प्रार्थना. That is the ultimate. यही आखिरी बात है. What is your desire? आपकी इच्छा क्या है? Today it will be done.
आज वो पूरा होगा। इट इज डन, वो पूरा होगा।